क्योंकि 1 मिलियन मेरे चैनल पे सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट हुए थे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी यूट्यूब से इनकम कितनी है? मुझे कितनी टेंशन हुआ करती थी कि ओ माय गॉड, कहीं अब ऐसा ना हो जाए कि मुझे मेरा प्ले बटन्स मिले ही ना। तो मैंने इसके लिए बहुत 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 पापड़ बेला है। डू यू हैव अ टॉप सीक्रेट दैट यू हाइड विद योर फैमिली? Hi guys, welcome or welcome back to my channel and also welcome to my first ever Q&A video. तो जब से मैंने YouTube channel अपना start किया है तब से लेके आज तक ये Q&A video मेरी first Q&A video है। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत thank you मुझे इतना सारा प्यार और support करने के लिए। आप सबके प्यार और support की वजह से ये possible हो पाया कि मेरे channel पे सिर्फ 1.5 साल के अंदर 3 मिलियन subscribers complete हुए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि जब मेरे चैनल पे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं Q&A वीडियो लाऊंगी। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट किया था कि मैं Q&A वीडियो लाने वाली हूँ और आप सबको मुझसे जो भी पूछना है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मुझे काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आए हैं कि एक सिंगल वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस को कवर करना इज नॉट पॉसिबल। बट मैंने नोटिस किया कि ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन एक दूसरे से सिमिलर ही है, इसलिए मैंने मेन क्वेश्चंस को पिक किया है और आज मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो में जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इतने सारे लोगों ने पूछा हुआ है, मतलब मैंने जितने भी कमेंट्स देखे हर कमेंट में ये 3 क्वेश्चन जरूर थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले इसका आंसर करूंगी। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर रियल एज एंड आपका बर्थडे कब होता है एंड आप कहाँ से हो? तो मेरी रियल एज है 17 ईयर्स ओल्ड और मैं नेक्स्ट मंथ मई में 18 ईयर्स की हो जाऊंगी और मेरा बर्थडे होता है 8 मई को और मैं हूँ प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी आप कब से यूट्यूब पर हैं? मतलब मैंने अपना यूट्यूब चैनल कब स्टार्ट किया था? तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था अक्टूबर 2022 में और मैं तब से यूट्यूब पर हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी स्कूल या कॉलेज लाइफ कैसी थी? बहुत ही हॉरिबल थी मेरी स्कूल लाइफ। कॉलेज में तो मैं अभी गई नहीं हूँ, कुछ मंथ्स बाद जाऊंगी, बट स्कूल लाइफ मेरी बहुत ही हॉरिबल थी क्योंकि काफी कुछ हुआ है मेरे स्कूल टाइम पे विच आई एम नॉट रियली हैप्पी अबाउट। अगर मैं उसके बारे में सोचने चली जाऊं तो मुझे डिप्रेशन हो जाए। मेरी स्कूल में बिल्कुल अच्छी मेमोरीज नहीं रही है और अगर मैं उसके बारे में इस वीडियो में बात करके अपनी वीडियो खराब नहीं करना चाहती, बट अगर आपको जानना है डिटेल में कि मेरी स्कूल लाइफ कैसी थी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ज्यादा कमेंट्स आए, मतलब मुझे लगा कि ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, तो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कितने सिबलिंग्स हैं और सबसे बड़ा कौन है? और काफी लोग बोलते हैं कि अपनी सिस्टर का फेस रिवील करो, पता नहीं क्यों मेरे खुद के चैनल पर मुझसे ज्यादा मेरी सिस्टर की डिमांड है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो मेरा व्लॉग चैनल है उस पे मैं व्लॉग्स पोस्ट करती हूँ, दो व्लॉग्स पोस्ट किए हुए हैं और आने वाले टाइम में और व्लॉग्स पोस्ट करने वाली हूँ। इनफैक्ट आज ही मैं एक व्लॉग पोस्ट करने वाली हूँ, मिनी व्लॉग, तो उसमें आपको मेरी सिस्टर का फेस दिख जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो क्या आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते थे? ये भी बहुत एक मेन क्वेश्चन है। जब मैं कुछ नहीं थी, मेरे 0 सब्सक्राइबर्स थे और मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते थे या नहीं? तो मैं इसका आंसर देना चाहूंगी, हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे डे 1 से बहुत सपोर्ट करते थे और आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे डैड मेरे हर एक वीडियो पे कमेंट जरूर करते हैं, उनका रिकॉर्ड है। मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगी लाइक फुल सीरीज, तो उसपे मेरे डैड का कमेंट जरूर होता है, फिर वो मुझे अलग से आके भी अप्रिशिएट करते हैं, वाह कितनी अच्छी वीडियो बनाई आज तुमने, और मम्मी भी, सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं सबको। सो या मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके घर में कोई पेट है? अगर हाँ तो उसका नाम क्या है? तो हाँ मेरे घर में एक पेट है जो की है एक छोटा नहीं है वो, बस उसकी हाइट कम है, छोटू सा है वो और उसका नाम है बूफी। ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो ये क्वेश्चन है कि आपके पास वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आता है? तो आता है, इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पास वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया। 2022 की बात है और उसके थोड़े टाइम पहले यूट्यूब पे शॉर्ट्स लॉन्च हुआ था। आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली कब लॉन्च हुआ था, बट मुझे इतना याद है कि नया लॉन्च हुआ था। तो मैं शॉर्ट्स देखा करती थी, फिर मैं एक दिन देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी और मेरे को बहुत ही अलग सा कॉन्टेंट दिखा जो की था स्वरा का, स्वरा सिंह द ब्राउन सिब्लिंग्स, उनका कॉन्टेंट मैंने देखा। और जैसे ही मैंने उनका कॉन्टेंट देखा मुझे वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगा कि, मतलब मुझे हमेशा से इन चीजों में बहुत इंटरेस्ट रहा है। यू नो, हम बचपन से
डोरेमोन देखते आए हैं तो हमारे दिल में उस कंटेंट के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। तो उसके रिगार्डिंग मुझे उनका कंटेंट बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगा और मुझे तुरंत ऐसा क्लिक किया कि ये चीज मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स बनाना लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से इजी है। तो मुझे लगा कि मैं भी ये कर सकती हूँ और मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, मैंने उनकी ही वीडियो लेके रिक्रिएट किया, जैसे कि हम रील पे करते हैं, कोई ऑडियो ट्रेंड करता रहता है तो सारे क्रिएटर्स एक दूसरे से इंस्पायर होके रिक्रिएट करते हैं वीडियोस। लाइकवाइज मैंने भी उनकी वीडियो देख के उसे रिक्रिएट किया। फिर होता है ना, आप कोई चीज़ करते रहते हो फिर आप उसमें इतने ज़्यादा प्रो हो जाते हो कि आपके खुद के आइडियाज़ आते हैं। तो मैंने पहले रिक्रिएट किया, फिर मैं बनाते बनाते मुझे खुद के आइडियाज़ आने लगे और फिर मैं इधर उधर से कंज्यूम करने लगी, ऑब्जर्व करने लगी कि मैं कैसे अपने कंटेंट को बेटर बना सकती हूँ और खुद का बना सकती हूँ। तो मैं डोरेमोन मैं आज भी डोरेमोन देखती हूँ, तो मैं बचपन से डोरेमोन देखती हूँ, तो आइडियाज मुझे वहां से आते हैं कुछ कुछ। और मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स अभी भी देखती हूँ, तो जब हम शॉर्ट्स देखते हैं तो आपने नोटिस किया होगा यूट्यूब शॉर्ट्स पे बहुत सारी ऐसी शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, यू नो ऐसा ऐसा होता है इस स्टोरी में, इस पर्टिकुलर सीरीज या मूवीज में, तो वहां से आइडिया आ जाता है कि ये बन सकता है, ये कॉन्टेंट बन सकता है मेरा, तो मुझे वहां से आइडिया आता है। फिर मैं कोई सीरीज देखती नेटफ्लिक्स पे, तो मैं पूरी सीरीज देखने के बाद मुझे कहीं कुछ 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 लेके पूरा वो एक कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है। तो बेसिकली मेरा क्या है, मैं एक कोई टॉपिक सोचती हूँ कि ये टॉपिक होने वाला है मेरी वीडियो का, और स्टोरीज मैं कहीं ना कहीं से लेके और अपनी खुद की रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज में उसमें मर्ज करके सब मिक्स एंड मैच करके एक कंटेंट प्रिपेयर हो जाता है। तो आज के टाइम पे मेरे लिए कंटेंट क्रिएट करना इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि करते करते इतनी आदत हो गई है कि अब वो अपने आप होता रहता है, यू नो हैबिट है, बचपन से ऐसे वगैरह लिखते आए हैं तो हैबिट बन जाती है। तो जब आप कोई चीज लिखने लगते हो तो आपके अंदर से खुद ही आइडियाज आने लगते हैं कि इसके आगे लाइंस क्या हो सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि वीडियो की जो स्टोरी होती है कुछ ज्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है, जो मतलब रियल लाइफ से एकदम अलग, तो ऐसा भी नहीं है। बस हाँ, टॉपिक थोड़ा ऐसा होता है कि फैंटेसी टाइप टॉपिक होता है, बट स्टोरीज ऑलमोस्ट रियल लाइफ बेस्ड ही होती है, तो वो क्रिएट करना इज नॉट अ बिग डील फॉर मी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके स्कूल लाइफ में कोई हॉरर थिंग हुआ है? हाँ, मेरे स्कूल लाइफ में एक हॉरर थिंग हुआ है और मैंने भूत भी देखे अपने स्कूल में। मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। अगेन मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको मेरी स्कूल लाइफ के बारे में जानने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस हिसाब से डिसाइड करूंगी कि मुझे उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप व्लॉग्स क्यों नहीं डालती, सिर्फ सुपर पावर्स वीडियोस क्यों डालते हो? तो मैं बोलना चाहूंगी कि अभी तक मैं इसमें इतना ज्यादा यू नो बिजी थी, जो मैं अभी कॉन्टेंट बनाती हूँ सुपर पावर वाली वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और मुझे पहले तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, मतलब दो दो दिन में एक कंटेंट क्रिएट होता था, बट अब थोड़ा थोड़ा करके आदत हो गई है, तो मैं पहले के कंपैरेटिव अब थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज से या कल से या एक दो दिन से, मतलब जब भी मुझे सही लगा, सही टाइम लगा, तब से मैं प्रॉपर एंड रेगुलर व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स पोस्ट करना शुरू करूंगी। और ये रहा मेरा व्लॉग चैनल, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि व्लॉग्स इस पर ही आएंगे, मेरे इस मेन चैनल पे नहीं आएंगे, व्लॉग्स इस चैनल पे आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? ठीक है, तो मेरी फेवरेट यूट्यूबर है, एक यूट्यूबर है, उसका नाम क्या है, शनान शर्मा कुछ ऐसा नाम है, वो मेरी फेवरेट है। जस्ट किडिंग गाइस, बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे फेवरेट हैं, जैसे कि पायल टीना जैन, उनकी वीडियोस मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, और राज ग्रोवर, उनकी वीडियोस भी मुझे बहुत पसंद है, एंड स्वरा सिंह की वीडियोस मुझे बहुत पसंद है, द ब्राउन सिबलिंग्स, और बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियोस मुझे पसंद है, बट कोई एक ऐसा नहीं है जिसके पीछे मैं बहुत पागल हूँ और बहुत फेवरेट हो, ऐसा नहीं है, बट हाँ कुछ कुछ क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियोस मुझे बहुत पसंद है और मैं देखती रहती हूँ, ऐसा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी यूट्यूब से इनकम कितनी है? तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगी ऐसा डायरेक्टली, क्योंकि फिक्स नहीं है, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितनी वीडियोस एक महीने में पोस्ट कर रही हूँ। अगर मैंने बहुत सारी वीडियोस, अगर मैंने हर रोज एक लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पोस्ट कर दी तो आई विल से महीने में आई कैन बाय 1 iPhone 15 Pro Max, आई थिंक इतनी बन जाए या उससे ज्यादा, यू नो आई कांट इवन, मतलब मैं गेस भी नहीं कर सकती कितना और कितना कम या कितना ज्यादा, यूट्यूब इतना अनप्रेडिक्टेबल है, कभी आपके व्यूज बढ़ जाते हैं एकदम से, कभी एकदम से डाउन हो जाते हैं, तो उससे भी नहीं फर्क पड़ेगा कि आपने 40 वीडियो डाल दिए महीने में, व्यूज आएंगे तब तो उसकी लाइक वैल्यू होगी 40 वीडियो की या 30 वीडियोस की, तो व्यूज पर डिपेंड करता है, आरपीएम पर डिपेंड करता है,
और वीडियो की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, वीडियो का टाइमलाइन पर डिपेंड करता है कि कितनी लंबी वीडियो है, 8 मिनट्स के ऊपर 8 मिनट्स से कम है तो उस हिसाब से रेवेन्यू बनता है। बट हाँ, आइड से मिनिमम मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ 50,000 समथिंग से ऊपर बनता है मिनिमम। उसके बाद फिर मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जितनी मैं ज्यादा वीडियोस डालूँ उतना ज्यादा रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके खुद के चैनल पर आपकी सबसे फेवरेट वीडियो कौन सी है? तो मेरे खुद के चैनल पर मेरी सबसे फेवरेट वीडियो है, एक मैंने कुछ महीने पहले डाली थी, मैं यहाँ पे उसकी फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। ये वीडियो मेरी फेवरेट है मेरी खुद की। वैसे तो मुझे अपनी सारी वीडियोज काफी पसंद होती है, क्योंकि जब तक मैं किसी कॉन्टेंट को लेकर 100% श्योर नहीं होती कि ये कंटेंट अच्छा है और लोगों को पसंद आएगा, तब तक मैं उसको पोस्ट ही नहीं करती और बनाती ही नहीं हूँ। बट स्टिल अगर मैं फिर भी देखने जाऊँ तो मुझे ये वाली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने काफी 3-4 क्वेश्चन को कंबाइंड किया हुआ है, क्योंकि एक ही पर्सन ने पूछा था मुझे याद है। तो इनका क्वेश्चन है, रिएक्शन आफ्टर 1 मिलियन, व्हाई डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, बेस्ट मोमेंट ऑफ यूट्यूब, हाउ यू फील आफ्टर रीडिंग हेट कॉमेंट्स, व्हाट इज योर सैडेस्ट मोमेंट ऑफ यूट्यूब। तो मेरा रिएक्शन 1 मिलियन के बाद बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस था, क्योंकि 1 मिलियन मेरे चैनल पे सिर्फ 2 महीने में कंप्लीट हुए थे। यस, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था उसके सिर्फ 2 महीने के अंदर मेरे चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। मैंने अक्टूबर में अपना चैनल स्टार्ट किया था, बट मैंने वीडियोस नवंबर से डालना स्टार्ट किया था। हाँ, मुझे याद है कि मैंने नवंबर से डालना स्टार्ट किया था वीडियो, और दिसंबर में मेरे 1 मिलियन कंप्लीट भी हो गए थे। फिर दिसंबर से लेके मई में मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। फिर मई से लेके आज अप्रैल में मेरे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए। तो 2 से 3 में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि वो मेरी गलती है, मैं ठीक से यूट्यूब पर एक्टिव नहीं थी बीच में, और मैं अब ट्रैक वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेट्स सी कितना प्रोग्रेस करते हैं अब हम, बट आई डोंट रियली केयर, क्योंकि अभी मेरे पास जितनी ऑडियंस है मैं उससे भी बहुत ज्यादा खुश हूँ। बट ऑफकोर्स मैं चाहूंगी कि मेरी ऑडियंस बढ़े और मेरी सब्सक्राइबर काउंट बढ़े और मेरी फैमिली बढ़े, तो ऑफकोर्स मैं चाहूंगी कि मेरे सब्सक्राइबर्स और ज्यादा बढ़े। बट स्टिल अभी मेरे चैनल पर जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन सबके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, और मैं उन सबसे बहुत बात भी करती हूँ। मेरे जो ओजी सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है, क्योंकि कॉमेंट का मैं हमेशा रिप्लाई करती हूँ और कॉमेंट्स के थ्रू मैं उनसे हमेशा बात करती हूँ। सो यार, जब मेरे चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, वो भी इतने कम टाइम में, वो मेरा रिएक्शन बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस था, क्योंकि मेरे एक एक दिन में 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख सब्सक्राइबर्स बढ़ते थे। तो वो फीलिंग ही अलग थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी जल्दी इतना फेम मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि व्हाई डिड यू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि मैंने कब स्टार्ट कर दिया, कब मैं फेमस हो गई, कब मेरी वीडियोस वायरल हो गई, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ ऐसा कॉन्टेंट पोस्ट करूंगी। यू नो, मैं जब एक टीनेजर थी, लाइक मैं अभी भी एक टीनेजर हूँ, बट और जब छोटी थी 13-14 ईयर्स की, तब मैंने हमेशा खुद को एज अ यूट्यूबर इमेजिन किया था। बट मैं हमेशा से एक ब्यूटी कॉन्टेंट क्रिएटर बनना चाहती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगी और इस पे मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स, क्लोथिंग हॉल्स, मेकअप हैक्स, ये सब पोस्ट करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसे स्टोरी बेस्ड कंटेंट पोस्ट करूंगी। बट वही है कि हमारे पास एक शॉर्ट का एडवांटेज आ गया था कि हम रील के जैसे शॉर्ट्स बना सकते हैं। तो मैंने उसको ऐसा मस्ती मस्ती में स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मस्ती मस्ती में नहीं बोलेंगे, मुझे खुद को डिस्ट्रैक्ट करना था, क्योंकि उस टाइम मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, किसी से कॉन्टैक्ट नहीं था, मतलब मैं ऐसे आइसोलेशन काइंड ऑफ स्पेस में थी। तो मुझे चाहिए था कि मैं खुद को कहीं ऐसी जगह डिस्ट्रैक्ट करूं जहाँ पे मैं अच्छे से डिस्ट्रैक्ट रहूं। ये नहीं कि जब मैं टाइम इन्वेस्ट करके आ रहा हूँ तो मुझे रिग्रेट हो कि मैंने किया क्या। तो मैं चाहती थी कि मैं कहीं ऐसी जगह अपनी टाइम इन्वेस्ट करूं और कहीं ऐसी जगह खुद को डिस्ट्रैक्ट करूं जहां पे टाइम इन्वेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा फील हो और कुछ मिले, प्यार मिले, सपोर्ट मिले, फेम मिले, ऐसा था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो हाँ, मैंने उस बेसिस से मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स पोस्ट करना शुरू किया। मैंने काफी टाइम तक शॉर्ट्स ही पोस्ट किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे, जब मेरी ऑडियंस इंक्रीज हुई, तब मैंने जाके लॉन्ग वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, और आज की डेट में मैं शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियोस दोनों पोस्ट करती हूँ। ओके, इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेस्ट मोमेंट ऑफ यूट्यूब। मेरा यूट्यूब का बेस्ट मोमेंट था जब मेरी फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, जो की थी यू हैव टू वेयर योर सोलमेट्स कलर, वो वीडियो थी। तो मेरा उस पर एक दिन में 4 लाख समथिंग व्यूज आए थे, और वो वीडियो थी मेरे पूरे चैनल की 7th या 6th वीडियो थी, मतलब 7th या 6th वीडियो से आप समझ रहे हो। मैंने जब वीडियो स्टार्ट की पोस्ट करना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी कोई वीडियो थी 6th या 7th रैंक पे, वो वीडियो वायरल हो गई थी। मतलब इतने कम टाइम में वो वीडियो वायरल हो गई थी। फिर वहीं से मेरी हर वीडियो वायरल होना शुरू हुई। वो मोमेंट मेरा बेस्ट मोमेंट था, क्योंकि इतनी अचानक से मेरी एक वीडियो वायरल होती है, एक दिन में 4 लाख व्यूज आए, तो वो बहुत बड़ी बात थी और वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट था। मुझे आज भी याद है कि मैं उस टाइम कितना खुश थी। मतलब यू नो, जब ऐसी चीज होती है फिर आपको तब रियलाइज होता है, ओ नो, मे बी अब मेरा चांस है, अब मे बी मेरा ऑडियंस ग्रो हो, मे बी अब मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तब आपको एक्सपेक्टेशन होती है। उससे पहले तो जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको कोई उम्मीद नहीं होती है, कुछ आप सोच भी नहीं सकते कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो और कहाँ तक जा सकते हो। तो हाँ, वो मोमेंट मेरा बेस्ट मोमेंट था यूट्यूब जर्नी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज योर स्टारडस्ट मोमेंट। मैं इस चीज को आप सबके साथ शेयर करने के लिए कब से वेट कर रही थी कि मैं कब इसको शेयर कर पाऊंगी आपके साथ। तो मेरे यूट्यूब चैनल का जो स्टारडस्ट मोमेंट था वो ये था कि जब मेरे यूट्यूब चैनल पे 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे तब मैं वेट करने लगी थी कि कब मेरा सिल्वर प्ले बटन आएगा। बट उसके कुछ दिन में ही आई गेस 10-15 दिन में ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए थे। तो फिर मैं वेट करने लगी थी कि अब तो मेरा सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन साथ में आएगा। फिर सामने से यूट्यूब का मेल आ गया कि यू नो यू आर एलिजिबल नाउ, आप अपना सब कुछ फिल कर दो, एवरीथिंग जो भी उसमें फिल करना होता है। मुझे तो अब याद भी नहीं, इतना टाइम हो गया है। तो मैंने सब फिल कर दिया बट मैंने गलती कर दी थी कि मैंने अपने लीगल नेम में गलत नाम डाल दिया था, अपना निकनेम डाल दिया था अपने लीगल नेम में, जो कि मुझसे गलती हो गई थी। तो जब मेरा प्ले बटन मेरे एड्रेस पे आया, या बोल सकते हैं कि जो कंपनी शिप करती है हमारे पार्सल को, हमारे प्ले बटन को, जब उन्होंने मुझसे KYC मांगा तो मेरे पास उस नाम का KYC था ही नहीं, उस नाम का आधार कार्ड कुछ नहीं था क्योंकि वो मेरा निकनेम था। तो फिर उसके वजह से मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा। मुझे आज भी याद है मुझे कितनी टेंशन हुआ करती थी कि ओ माय गॉड कहीं अब ऐसा ना हो जाए कि मुझे मेरा प्ले बटन मिले ही ना। तो मैंने इसके लिए बहुत 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 पापड़ बेला है, बहुत गलती हो गई थी, मतलब छोटी गलती थी बट बहुत उसके लिए पापड़ बेलना पड़ा था। मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा कि मुझे मिलेगा ही नहीं मेरा प्ले बटन एक नाम गलत लिखने से। मुझे लगा ठीक है लिख दिया गलत नाम, अब ठीक हो जाएगा, मतलब कुछ कर सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने बहुत टाइम तक यूट्यूब से कॉन्टेक्ट किया बट ऑलमोस्ट 1-2 महीने मुझे यूट्यूब के साइड से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर मैं करती रही कॉन्टेक्ट करती रही। फिर 2-3 महीने बाद यूट्यूब ने फाइनली मुझे रिवाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया, जिसमें फिर मैंने अपने पापा के नाम से उसको मंगवाया था। फिर उसके बाद मैंने कोरियर वालों को सेंड किया, फिर उन लोगों ने तब जाके मेरा वो सिल्वर और गोल्डन प्ले बटन लेकर आए। फिर मेरे जान में जाना है कि ठीक है मिल गया फाइनली। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव अ टॉप सीक्रेट दैट यू हाइड विद योर फैमिली? यस आई डू हैव अ टॉप सीक्रेट जो कि मेरे फैमिली वालों को नहीं पता है। अगर आपको वो जानना है और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको रिवील करूँ सबके सामने, तो आपको मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर जब मेरी वहाँ पे अच्छी खासी ऑडियंस बन जाएगी, 100K सब्सक्राइबर्स जब उस चैनल पे हो जाएंगे, तब मैं वो टॉप सीक्रेट रिवील करूंगी। उससे पहले नहीं करूंगी क्योंकि हिम्मत नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है? तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शनाया डा, स्पेलिंग है SHANAYADUHHH। और मैं यहाँ पे फोटो भी लगा दूंगी तो आप देख लेना और उसके बाद आप फॉलो कर सकते हो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत लोगों ने पूछा है, बहुत गर्ल्स ने पूछा है कि आपकी स्किन केयर रूटीन क्या है? तो गाइज पहली बात मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं है, बट हाँ मेरी एक स्किन केयर रूटीन है जो मैं फॉलो करती हूँ, जो कि है अभी नहीं बताऊंगी। अगर आपको जानना है मेरी स्किन केयर रूटीन क्या है तो मैं उसके लिए अलग से एक शॉर्ट या लॉन्ग फॉर्म वीडियो बना दूंगी अपने ब्लॉग चैनल पे। तो मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि मेरे बहुत सारी वीडियो पर्सनल लाइफ से रिलेटेड और बहुत कुछ वीडियोस, चैलेंजेस, व्लॉग्स मेरे व्लॉग चैनल पे आने वाले हैं, तो जाके जल्दी से व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और सर्च भी कर सकते हो। तो दोनों चीज़ कर लेना जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अगेन कुछ क्वेश्चन को एक साथ कंबाइन किया है, फेवरेट हेल्दी फूड एंड फेवरेट जंक फूड। तो मेरा फेवरेट हेल्दी फूड है दाल चावल प्रो मैक्स, मतलब उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता है। हेल्दी फूड में काफ़ी हेल्दी ऑफ कोर्स और मेरा फेवरेट है, और जंक फूड में मेरा फेवरेट है पास्ता, मोस्ट फेवरेट, उससे अच्छा मुझे कुछ नहीं लगता। पास्ता पे पूरी ज़िंदगी सर्वाइव कर सकती हूँ, मुझे पास्ता बहुत पसंद है, बट सिर्फ अपने हाथ का बनाया हुआ। मैं जो पास्ता बनाती हूँ ना गाइज, अगर आप खा लोगे वो पास्ता, आप देयर इज़ नो गोइंग बैक उसको खाने के बाद, बहुत टेस्टी बनाती हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी लड़कियों ने बोला है, कैन यू मेक अ ट्यूटोरियल ऑन योर एवरीडे मेकअप? तो हाँ मैं भी सोच रही थी कि मुझे ये शेयर करना चाहिए आप सबके साथ। तो मैं अपने व्लॉग चैनल पे, अगेन व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, तो मैं अपने व्लॉग चैनल पे अपना स्किन केयर रूटीन, मेकअप रूटीन, डेली रूटीन, डे रूटीन, नाइट रूटीन सब शेयर करने वाली हूँ, मतलब अपनी पर्सनल लाइफ का सब कुछ उधर शेयर करने वाली हूँ। तो आप वो चैनल ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, जो कि है कि आप एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करते हो? तो मैं एडिटिंग के लिए यूज़ करती हूँ VN और InShot, CapCut, बस ये 3 ऐप यूज़ करती हूँ। तो मैं अपनी वीडियोस का वॉइस ओवर VN ऐप से करती हूँ, बाकी टेक्स्ट फिल्टर्स, ये फिल्टर्स नहीं, टेक्स्ट, साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक, ये सब InShot ऐप से लगाती हूँ। और यू नो FX वाले इफेक्ट्स होते हैं, फेस इफेक्ट्स होते हैं, यो वो केड वाला इफेक्ट होता है जो आप सबको बहुत पसंद है, यू नो मिंकी, बेबी मिंकी जिसको आप बोलते हो, वो सब इफेक्ट मैं CapCut से लगाती हूँ। ओके लास्ट क्वेश्चन,
आप थंबनेल के लिए कौन सा ऐप यूज करते हो? तो मैं थंबनेल के लिए यूज करती हूँ पिक्सआर्ट। ओके गाइस, तो ये वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। आई रियली होप कि मैंने आप सबके क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे और आप सबके जितने भी डाउट्स थे आज तक सब क्लियर कर दिए होंगे, और मैं फ्यूचर में भी Q&A वीडियो लाती रहूंगी। ये मेरा फर्स्ट Q&A वीडियो था, इसलिए मैंने इसमें सिर्फ मेन और बेसिक क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, बट फ्यूचर Q&A वीडियोस में मैं नॉर्मल क्वेश्चंस के भी आंसर दूंगी, लाइक हॉबीज और यू नो जितने भी रैंडम क्वेश्चंस होते हैं उन सबका आंसर भी करूंगी। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।